हरियाणा के हिसार में जन्मे एक्टर यशपाल शर्मा ने रंगमंच से बॉलीवुड तक का सफर तय किया है। 1 जनवरी 1965 को जन्मे यशपाल शर्मा ने फिल्म जिंदगी एक जुआ से बॉलीवुड में डेब्यू किया। गोविंद निहलानी की फिल्म 1084 की मां से उन्हें बड़ा ब्रेक मिला। इसके बाद यशपाल शर्मा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यशपाल शर्मा के पिता स्कूल में चपरासी का काम करते थे। दिल्ली से पढ़ाई करने के बाद यशपाल साल 1997 में मुंबई आ गए। फिल्मों में आने से पहले यशपाल शर्मा घर चलाने के लिए चांदी का काम करते थे। वो पायल और मंगलसूत्र बनाते थे। इसके लिए उन्हें 300 रुपए महीना मिलता था। इसके अलावा उन्होंने आटा चक्की चलाने और साइकिल का पंक्चर बनाने का काम भी किया है। एक इंटरव्यू के दौरान यशपाल शर्मा ने कहा कि जिंदगी में इतने काम किए कि जब फिल्मों में इस तरह के रोल मिलते हैं तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती।